आज दोस्तों जो कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं वो कंपैरिजन है टाटा ग्रुप के एक्स चेयरमैन रतन टाटा के बीच और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क के बीच। दोस्तों हमारा दावा है ये कंपैरिजन पूरे यूट्यूब पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है और आपको ये कंपैरिजन देखकर वास्तव में मजा आने वाला है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोनों युग परिवर्तक मतलब कि पूरे के पूरे युग को चेंज करने वाली पर्सनैलिटीज थी और उन्होंने दुनिया में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए हैं। अगर हम बात करें टेस्ला की तो वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं, मतलब उनका पूरा विश्वास है कि फ्यूचर अभी से अगर हम प्लान करेंगे तो वास्तव में हम बेहतर तरीके से बदल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम टाटा की बेसिक सोच को देखें तो वो सोशल हार्मोनी क्रिएट करते हैं, मतलब समाज में एक संतुलन बना रहना चाहिए और हर किसी की मदद करते हैं। रतन टाटा ने अपनी आर्किटेक्चर की डिग्री कॉर्नेल स्कूल से कंप्लीट की और HBS हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 7 वीक का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया था। ऑन द अदर हैंड अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स में वॉटन स्कूल से कंप्लीट किया था। क्या आप बता सकते हैं दोस्तों रतन टाटा और इलॉन मस्क को कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे सबसे ज़्यादा प्यार है? सोचिए, वो चीज़ है कार्स। दोनों को कार्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। इलॉन मस्क जो टेस्ला मोटर्स के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं उनकी सबसे सेक्सी कार है मॉडल टी। ऑन द अदर हैंड अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम सेक्सी कार्स फ्रॉम जैगुआर एंड लैंड रोवर्स उनकी जो एक अपकमिंग कार है ई विजन वो भी बहुत ही शानदार है। इलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं जिनकी नेटवर्थ आज हो चुकी है $185 बिलियन, वहीं दूसरी तरफ पिछले साल अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो उनकी जो नेटवर्थ थी वो थी $106 बिलियन। पर अगर हम दोनों की जो नेटवर्थ एज ए इंडिविजुअल है उसमें कंपैरिजन करें तो इलॉन मस्क कई गुना आगे निकल जाते हैं, क्योंकि रतन टाटा जी ने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा डोनेट कर दिया है। दोस्तों इतने बड़ा डोनेट करने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा जी के पास ही है। इस बात पर एक लाइक तो बनता ही दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों दोनों को अपनी कारों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। 1961 में शॉप फ्लोर में काम करना शुरू किया था श्री रतन टाटा जी ने। ऑन द अदर हैंड इलॉन मस्क अपना मोस्टली टाइम और अपनी मोस्टली रातें अपनी टेस्ला मोटर्स की फैक्ट्री में ही स्पेंड करते हैं। अगर फ्लाइंग के मामले में हम लोग कहें दोस्तों तो इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन कंपनीज में से एक है। तो ऑन द अदर हैंड एक फैक्ट बताता हूँ दोस्तों आपको, रतन टाटा एक बहुत ही बेहतर पायलट हैं और 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले इंडियन थे। अगर हम इकोनॉमिकल अचीवमेंट की बात करें तो इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। ऑन द अदर हैंड जब 21 साल रतन टाटा जी ने चेयरमैन की गद्दी संभाली थी तो उनके टाइम में टाटा ग्रुप ने 40 गुना तरक्की की थी और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ गया था। एक मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, रतन टाटा जी ने 4 बार शादी के लिए ट्राई किया और 4 बार उनकी शादी नहीं हो पाई। ऑन द अदर हैंड इलॉन मस्क ने 3 बार शादी करी और 3 बार तलाक दे दिया, जिसमें से 2 बार शादी उन्होंने एक ही लड़की से की थी और अब वो भी अपनी 4थी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं। तो ये 4 का नंबर लड़कियों के मामले में दोनों के लिए कॉमन है। रतन टाटा के पेरेंट्स का जब वो 10 साल के थे उस समय तलाक हो गया था, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ नहीं रह पाया और उनको उनकी दादी ने पाला था। इलॉन मस्क की माँ है मे मस्क और उनकी माँ मे मस्क ने उनके लिए अपना मॉडलिंग करियर छोड़ दिया था ताकि उनके बच्चे बेहतर पढ़ाई कर सकें और अब इलॉन मस्क की माँ 70 साल की उम्र में एक बेहतरीन मॉडल के रूप में उभर कर आ रही हैं। देखिए दोस्तों एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि जिस समय में रतन टाटा जी ग्रो कर रहे थे और जिस समय में इलॉन मस्क ग्रो कर रहे हैं उस समय टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था, बट अगेन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अब आपके लिए सवाल ये है दोस्तों कि रतन टाटा और इलॉन मस्क में आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं और उसे पसंद करने का क्या रीज़न है, एटलीस्ट कॉमेंट बॉक्स में ये तो लिख ही दीजिएगा। दोस्तों हम लोगों ने दोस्तों रतन टाटा जी के ऊपर और इलॉन मस्क के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियोस बनाए हैं जो इस समय आपको प्लेलिस्ट में दिख रहे होंगे। प्लेलिस्ट को क्लिक करिए और एक शानदार वीडियोस की लिस्ट आपके सामने खुलेगी जिसे देखकर आपका एक ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन होना राइट टू शिक्षा की गारंटी है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।